हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं स्पेशल ट्यूटोरियल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें DIR कमांड के बारे में। DIR कमांड बेसिकली हमारा यूज कब होता है, इसमें कौन कौन से स्विचेज यूज होते हैं, उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं फाइल के एक्सटेंशन क्या होता है और साथ में आपको प्रॉम्प्ट कमांड के बारे में। इन तीन कमांड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं DIR कमांड। DIR कमांड हमारे MS DOS में सबसे ही इम्पोर्टेंट कमांड होता है। इस कमांड का यूज़ हमारे डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरीज और फाइल को देखने के लिए होता है। साथ ही हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर एक्सेस करके अननोन डायरेक्टरी के अंदर क्या कौन से सब डायरेक्टरीज और फाइल है उसका भी पता करने के लिए हम DIR कमांड यूज़ करते हैं। DIR कमांड बेसिकली कैसे एक तरह से सर्च कमांड है, जो कि हम डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज और फाइल को सर्च करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो DIR कमांड जो हमारा होता है, इसमें स्विच का प्रयोग करते हैं। स्विच बेसिकली बैक स्लैश होता है, जिसका हम यूज अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्विचेस का यूज करके हम अलग अलग टाइप के उसमें एक्शंस करते हैं, फंक्शन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो DIR कमांड में जो स्विच होता है, ये हमारा बैक स्लैश है, उसके बाद स्लैश का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, उसके बाद जिसका सिंटैक्स होता है CPROMPT DIR/P। ओके, हम यहाँ पे /P। उसी प्रकार के इसमें स्विचेज हैं, उन स्विचेज के बारे में बता रहे हैं आपको कि स्विचेज का बेसिकली होता क्या है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ आपके सुविधा के लिए कि आप लोग इसको देख सकें। /W के जैसे आप DIR करेंगे तो DIR पूरी डायरेक्टरी की लिस्ट खुल जाएगी। इसमें आपके डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरीज, फाइल्स कब बनी है, कौन से डेट में बनी है, ठीक है, टाइमिंग क्या था, कोई फाइल है, फाइल कितने, फाइल की कैपेसिटी क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें शो होती है, पूरी डिटेल होती है A to Z, डायरेक्टरीज और फाइल के और डायरेक्टरीज की सारी डिटेल A to Z। उसी डिटेल्स को चूँकि जब भी आप DIR करते हैं तो मान के चलिए आपकी डायरेक्टरी लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, जो एक पेज से ज़्यादा भी नहीं देख पाते हैं, तो क्या होती है कि पेज फ्लिक कर जाती है और नीचे से जो एक पेज का मैटर बचता है केवल वही दिखाता है, ठीक है। तो अभी किस किस टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी को आप फिल्टर करके अलग अलग स्विचेस की सहायता से देख सकते हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। तो उसमें हम स्विच का बहुत ही अहम रोल होता है, हर स्विच का अलग अलग काम होता है, अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम स्विच कमांड का यूज कैसे करेंगे, /W। अब हम स्विच को यूज करने के लिए हम यहाँ पर सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है सूत्र, सिंटैक्स। इसमें हम CPROMPT, उसके बाद DIR। ये केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे आप स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, डिजिटल जनरेटर कोई बात नहीं है, सब चल रहा है। DIR/ उसके बाद हम यहाँ पे जो स्विचेज हमारे हैं W, AD, इस टाइप से आप जो स्विचेज का यूज करना चाहते हो वो हमने W कर लिया, उसके बाद एंटर, ठीक। यहाँ पे हमारे परिवर्तन होंगे, चेंज जो भी होने होंगे यहाँ पे होंगे, बाकी में DIR हमारा सेम टू सेम रहेगा। अब स्विच के साथ बताते हैं कौन से स्विच से क्या काम होता है। अगर आप केवल DIR लिखते हैं और P लिखते हैं, DIR P, तो हमारा जो डायरेक्टरी होता है वो पेज वाइज दिखाएगा, मतलब पहले वो स्टार्ट से फर्स्ट पेज दिखाएगा, उसके बाद बोलेगा, वेट करेगा कि आप कोई की प्रेस करें, फिर नेक्स्ट पेज दिखाएगा, और तब तक दिखाता रहेगा जब तक वो पूरी तरह से एंड ना हो जाए, लास्ट ऑफ द पेज ना पहुंच जाए। ओके, तो ये हमारा डायरेक्टरी DIR/P, मतलब स्विच पी के साथ हमारा वो पेज वाइज दिखाता है। अगर हम W यूज करते हैं तो W विड्थ में दिखाता है, चौड़ाई में दिखाता है फाइल और डायरेक्टरीज को, ठीक है। अगर आप AD यूज करेंगे तो ये केवल डायरेक्टरीज दिखाएगा, फाइल को नहीं दिखाएगा, ठीक है। AD का यूज केवल डायरेक्टरीज को करने के लिए होता है। AR का यूज रीड ओनली फाइल, मतलब हमारी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज चाहे फाइल में से, ऐसा नहीं है कि सबको दिखाएगा, उसमें से केवल उन्हीं को दिखाएगा जो कि रीड ओनली फाइल होंगे। उसके बाद AH कमांड, AH जो हमारे होते हैं स्विच, इससे यूज होता है हमारा हिडन फाइल, जितनी भी हिडन फाइलें हैं केवल उन्हें दिखाएगा। ओके, AS इससे क्या होता है हमारा सिस्टम फाइल दिखाता है, सिस्टम फाइल में कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसके बाद हमारी साइकलबिन की फाइलें हो गई, command.com की फाइलें हो गई, एग्जीक्यूटेबल फाइलें हो गई, उन सारी फाइलों का एक ग्रुप में करके दिखाता है, ठीक है, दिखाएगा वो आपको। तो हमारे सिस्टम फाइलों को दिखाता है AS से। AA ये हमारा आर्चीव फाइलें होते हैं, जो आर्चीव फाइलें होती हैं वो हमारा AA कम स्विच से दिखाता है। ON से क्या दिखाता है कि आपकी जो भी डायरेक्टरीज, जैसे DIR से जो हमारा होता है वो DIR से तो होगा, बट अगर आप
ओ एन लगा देंगे तो वो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर बन जाएगा, मतलब पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, ऐसे ए टू जेड हो जाता है, एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कहने का मतलब ये है हमारा बेसिकली अल्फाबेटिकल में सॉर्टिंग कर देगा, ठीक है। ऐसे जो डायरेक्टर दिखाता है वो बाय डिफॉल्ट हमारा कस्टमाइज जो कि डेट वाइज होता है वैसे दिखाता है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाता है। ओ एस से हमारा क्या हो जाएगा, वो साइज वाइज आएगा, मतलब हमारे जो फाइल्स डायरेक्टरी होती है उनके साइज के हिसाब से वो दिखाएगा, वो स्मॉल टू लार्ज, सबसे कम वाला सबसे पहले और उसके बाद जिससे बड़ी फाइल उससे बड़ी फाइल, लास्ट में जो सबसे बड़ी फाइल होगी उसको दिखाएगा, मतलब स्मॉल टू लार्ज में आएगा। ओ ई इसको अगर यूज करते हैं, इस स्विच का यूज, तो उससे एक्सटेंशन को दिखाएगा, वो भी अल्फाबेटिक में दिखाएगा, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्सटेंशन दिखाएगा। एक्सटेंशन होता क्या है, हर फाइल का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन को अगर हम एक सिंपल वर्ड में बोले तो जाति कास्ट जो होती है वो एक्सटेंशन होती है। जैसे हर चीज़ का एक एक्सटेंशन होता है, कि मान के चलिए आप किसी भी काम, आप कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो आप हर जगह सेव करते हुए अपना ही नाम डालते हैं। अब जो चूंकि डॉस पढ़ रहे हैं, आगे आप विंडो पढ़ेंगे या फिर आप एमएस ऑफिस पढ़ेंगे, कोई पैकेज पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, सेव करते समय आप अपना ही नाम डालते हैं, तो नाम डालने पे आपका वो फाइल सेव हो जाता है। बट वो कैसे पहचानते हो कि हमारी फाइल ये किससे बिलोंग करती है, किस एप्लीकेशन से बिलोंग करती है, तो वो क्या करते हैं, जब भी आप फाइल सेव करते हैं तो उसके साथ बाई डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन एड हो जाता है। तो अगर आप एमएस डॉस में फाइल कर रहे हो, कॉपी कॉन करके फाइल बनाते हो, तो उसका एक्सटेंशन जो होता है .txt, तो ऐसे हमारे .exe होता है, .doc होता है, .ppt होता है, .bmp होता है, .jpg होता है। इस प्रकार से हमारे जो लास्ट में .3 अक्षर के जो होते हैं, 1 से 3 अक्षर के बीच में जो भी हमारे कैरेक्टर के नाम होते हैं, वो हमारे एक्सटेंशन कहलाते हैं। तो ये हमारा OE से क्या होता है, एक्सटेंशन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिखाएगा, पहले ए वाले एक्सटेंशन को, फिर बी, ऐसे करके वो सारे जेड तक दिखाता जाएगा जो भी अवेलेबल होगा। OG ये ग्रुप वाइज करेगा, बेसिकली क्या करेगा, हम सबको ग्रुप में, पहले ए वालों को डायरेक्टरी फाइल को ग्रुप कर देगा, फिर बी को, ऐसे ग्रुप ग्रुप करके वो OG से दिखाएगा, ठीक है। OD ये डेट वाइज दिखाता है, मतलब सबसे पुराना पहले दिखाएगा, उसके बाद लेटेस्ट वाला सबसे लास्ट में दिखाएगा, ओके। ये ऐसे चलता है, मतलब ओल्ड टू न्यू चलेगा, एक तरह से ओल्ड टू न्यू डेट वाइज। OG एस ये सारे सिस्टम फाइल को दिखाएगा, अगर आप इस स्विच का यूज कर रहे हैं इसका, तो सिस्टम में जितनी भी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी फाइल है, अगर आप इसको चला दोगे कम से कम मान के चलो 2 मिनट तक आपका सिस्टम में फाइलें यूं भागती रहेंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या, वो पूरी फाइलें चलती रहेंगी, तो आप इसको पॉज करके देख भी सकते हो, पेज वाइज चाहो तो देख सकते हो, या फिर अगर इसे आपको ब्रेक करना हो तो Ctrl+C दबा दोगे तो आपको वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको सी प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। उसके बाद ऑपरेटर बी का यूज करेंगे तो बेयर फॉर्मेट में दिखाता है। बेयर फॉर्मेट का मतलब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, ना आपका हेडर इंफॉर्मेशन होगा, ना आपका कोई उसकी समरी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी फाइल जो होता है उसके केवल नाम दिखाएगा, यहाँ तक उसके सामने ये भी नहीं दिखाएगा कि ये डायरेक्टरीज है या फाइल है या कब बनी है, किस समय बनी है, कितने बिट की है, कितने बाइट के, कुछ भी नहीं, मतलब केवल ओनली नेम दिखाएगा, बेयर फॉर्मेट होता है। अगर आप एल का यूज करते हैं तो ये सारा स्मॉल लेटर में दिखाएगा, मतलब कि जो आपका कह सकते हो जो केश होगा वो आपका लोअर केश में दिखाता है, अपर लेटर में दिखा के लोअर लेटर में, सारा स्मॉल लेटर में दिखाएगा। 4 का यूज करेंगे तो आपका जो ईयर आता है बेसिकली वो 4 डिजिट में आने लगेगा, बाकी बाय डिफॉल्ट आपका क्या उसमें डिजिट सेट है वो तो आता ही आता है, अगर आपका नहीं आता है तो अगर आप 4 का यूज कर रहे हैं तो वो जो ईयर डिस्प्ले होगा वो 4 डिजिट में होगा। जैसे अभी क्या चल रहा है हमारा, 2018 चल रहा है, 2018, ऐसे क्या आता है, मान के चलो 18 भी आ सकता था, ठीक है। तो ये सारे स्विचेस का हम यूज अलग अलग कमांड में कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमें बेयर करना है तो आप इसमें क्या करेंगे, /p, ठीक है, एंटर। अब आप इसमें पेज वाइज करना चाहते हैं, जैसे किन चीजों में पेज वाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है डेटा आप बड़ी हो तो डायरेक्टली, जैसे ऐसा है मान के चलिए सिस्टम फाइल जिसमें दिखाएगा,
ओके आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखना चाहते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो आनी, तो आप सी प्रॉम्प्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए क्या होता है, ओ एन होता है, /ON/P। ओके यहां हमने पी का यूज क्यों किया, पी से हमारा पेज वाइज दिखता है, पेज वाइज का मतलब ये होता है कि हम जो भी डेटा देख रहे हैं वो एक एक पेज करके दिखाता है, ठीक है। तो /ON/P मतलब /P आप इनमें से किसी भी कमांड के आगे लगा सकते हैं। ऐसे आपने dir किया स्लैश जो भी है, OG लिखा /P, पी आप लगा के किसी भी चीज को पेज वाइज देख सकेंगे। अगर बिना पी के लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन आपको केवल नीचे से पता चलेगा, आपको पूरी रिजल्ट आपको नहीं पता चलेगा कि हाँ ये जो हम कमांड यूज कर रहे हैं, जो स्विच यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली स्विच वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आपको देखने के लिए आप आगे /P लगा के उसके बाद एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये हम अभी आपको जब लैब दिखाएंगे, तो लैब करेंगे आपको प्रैक्टिकली, तो उसमें सारी चीजें दिखाएंगे फंक्शंस करके। ओके तो आई होप आपको हमारा DIR वाला सेक्शन आप समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं फाइल एक्सटेंशन की तरफ। जैसा मैंने बताया था एक्सटेंशन कमांड, यहाँ पे जो स्विच हमारे एक्सटेंशन का स्विच था OE, वही हमारे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन दो टाइप के होते हैं, हमारे फाइल का नाम देते हैं हम किस अपने DOS में, उसका एक लेंथ होता है, ठीक है। तो लेंथ हमारे इसमें दो टाइप का फाइल का एक्सटेंशन होते हैं, एक हमारा प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी होता है। तो जो प्राइमरी होता है वो 1 से 8 कैरेक्टर तक होता है, और जो सेकेंडरी होता है 1 से 3 होता है। 8 कैरेक्टर में कन्वर्ट करके दिखाएगा, क्योंकि स्क्रीन की जो एक टेबल की विड्थ होती है उन्होंने 8 ही उसकी डिफाइन किया डेटाबेस में उसकी साइज, इसलिए वो 8 तक को ही दिखाता है, बाकी उनको विड्थ को नहीं लेता है, ठीक है। बाकी हमारा जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी हमारा एक्सटेंशन होता है, ये हमारा एक्सटेंशन कहलाता है। ये फाइल नेम हो गया और ये हमारा एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन होते हैं वो हमारे अलग अलग, जैसे अभी डॉस में txt.txt, उसके बाद .exe.com.bak बैक फाइल, बैकअप फाइल होती है, command.com की फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, टेक्स्ट फाइल, ऐसे बहुत सारे अभी आ गया फाइल पढ़ने, तो सारी फाइलें जो होती है वो हमारी एक्सटेंशन कहलाती है। एक्सटेंशन या तो बोल सकते हैं एक सिंपल सी किसी फाइल की जाति कास्ट, आप पता कर सकते हो कि हाँ ये फाइल किस पैकेज या किस एप्लीकेशन से बिलोंग करती है, उसके लिए आप एक्सटेंशन को देख के बता सकते हो, ठीक है। ये हमारा था फाइल एक्सटेंशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई इशू। अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जब भी एमएस डॉस को यूज करते हैं, तो एमएस डॉस हमें जो मिलता है विंडो खुल के आती है ब्लैक विंडो, उसमें हमारा क्या दिखता है, सी प्रॉम्प्ट। सी प्रॉम्प्ट बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि वो CD अब बोलिंग, ऐसा कुछ नहीं चलता। आप उसमें चाहो तो बदलाव कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसमें कुछ कैरेक्टर्स, सिंबल्स, नाम अपना, चाहे कुछ भी यूज करिए, उसको चेंज कर सकते हैं, और वो ऐसे ही काम करेगा जैसे सी प्रॉम्प्ट काम करता है, वो एज अ प्रॉम्प्ट काम ही करेगा। तो कौन कौन से ऐसे हमारे स्विचेज होते हैं जिनको हम यूज करके और प्रॉम्प्ट को कन्वर्ट करके हम लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा हम डॉस को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉम्प्ट मैंने बता दिया कि प्रॉम्प्ट कमांड होता है क्या। प्रॉम्प्ट कमांड के थ्रू जो सी प्रॉम्प्ट होता है उसको हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई, चेंज करते हैं। ये हम प्रॉम्प्ट कमांड के थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं, सी आपका ये प्रॉम्प्ट है, इसको चेंज करना है तो आप लिखोगे प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट लिखेंगे, स्पेस देंगे, आप अपना नाम या कुछ भी, वेलकम, अपनी सिटी का नाम, अपने नाम, अपने पापा का नाम, वट एवर जो भी हो आपका, वो नाम लिखिए, एंटर करिए, तो क्या हो जाएगा, वो नाम चेंज हो जाएगा, जैसा लिखा होगा उसी में वो वैसा ही आपका आ जाएगा, सी प्रॉम्प्ट गायब सारा चीज। अब जो भी कमांड आप यूज करेंगे वो यहाँ से यूज करेंगे, अपने आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए जब आपको डायरेक्टरी देखनी है तो आप यहाँ पे केवल DIR लिख के एंटर मार देंगे तो डायरेक्टरी दिखा देगा, ठीक है, सब कुछ वैसे ही करेगा, बस क्या हो जाएगा, सी प्रॉम्प्ट की जगह हमारा दूसरा चीज आ गया, उसी को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से और हमारे मैजिक कीज हैं, स्विच हैं, जिनका हम यूज कर करके अलग अलग सिंबल्स का देख सकते हैं। इसमें आप $Q, अगर आप प्रॉम्प्ट स्पेस इसराफेस की जगह आप क्या कर रहे हैं, डॉलर Q,
क्यू और एंटर कर रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा इक्वल टू, क्या जाएगा इक्वल टू, मतलब इक्वल टू लाना हो तो आप क्यू का यूज करिए डॉलर के साथ, डॉलर के साथ डॉलर यूज करेंगे तो डॉलर आएगा, डॉलर के साथ टी यूज करेंगे तो जो करंट टाइम होगा वो आएगा, मतलब प्रॉम्प्ट आपका टाइम बन जाएगा। ऐसे अगर आपको डेट बनाना है तो डी डॉलर डी यूज करिए, डेट बन जाएगा। ऐसे आपको करंट ड्राइव दिखानी हो तो आप पी कर दीजिए, ग्रेटर देन का निशान चाहिए आपको इसके जगह पे ग्रेटर देन का निशान, तो फिर आप जी कर दीजिए, विंडो का वर्जन चाहिए उसके जगह पे वी कर दीजिए। अभी सब बदल लिया, अब आपको फिर से पुराने फॉर्मेट नहीं करना, हमें सी प्रॉम्प्ट आ जाए सर ऐसा करो, सी प्रॉम्प्ट दिखा दो, सी प्रॉम्प्ट कैसे लाएंगे, फिर वापस कैसे जाएंगे, तो उसके लिए चूंकि मैंने बताया था पी से क्या होता है करंट ड्राइव और जी से ग्रेटर देन, आपको ये दो ही चीज तो चाहिए ना, करंट ड्राइव ठीक है और ग्रेटर देन, ये दो मिल गए तो हमारा क्या बन गया सी प्रॉम्प्ट, यही मिल गया सी प्रॉम्प्ट बनता है ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं है करंट ड्राइव और प्रॉम, तो ये हमारा ग्रेटर देन, तो ये हमारा पी और जी, इसको हम लोग यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे स्पेस यहाँ पे डॉलर पी फिर डॉलर जी ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सी प्रॉम्प्ट ओके। ऐसे आप प्रॉम्प्ट को अलग सा चेंज करके उसका यूज कर सकते हैं, फिर आप बैक जाके उसी प्रॉम्प्ट पे फिर आप चेंज कर सकते हैं जो आपका पहले वाली लिस्ट थी। ऐसे हमने फाइल एक्सटेंशन के बारे में बताया, प्रॉम्प्ट के बारे में बताया, डायरेक्टरीज के बारे में बताया, उनके बारे में स्विच के बारे में बताया, अब आ गया कि इसका हम प्रैक्टिकल लैब दिखाएंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो आपको आपका हमारा वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।